नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मधु लेट्स डू समथिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल बहुत इजी रेसिपी लेके हैं, जो बच्चे तो क्या बड़े भी चट कर जाएंगे। और बहुत सिंपल बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, झट से बन जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो गाइस मैं बहुत सिंपल रेसिपी के साथ आई हूँ, आज बहुत इजीली बन जाएगी। जो मैंने ब्रेड, कुछ ड्राई फ्रूट्स और डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है। और करना क्या गाइस, इसके लिए मैं थोड़े से मलाई ली है, देखिए, और एक चम्मच चीनी ली है। और मलाई के साथ मैंने थोड़ा सा दूध भी लिया है, कि बिल्कुल प्योर मलाई नहीं लिए गाढ़ी गाढ़ी। ये लगभग एक कप समथिंग है, इसमें आधी मलाई होगी और आधा दूध होगा। और इससे हम क्या करेंगे, रबड़ी बनाएंगे। और रबड़ी एक मिनट में बन जाएगी। और देखिए चॉकलेट लिए, वो भी मैंने डेयरी मिल्क लिया, और देखिए बिल्कुल ही मेल्ट हो गई है। तो देखिए रबड़ी बनाते हैं। तो रबड़ी के लिए मैंने देखिए छोटा सा फ्राई पैन ही चढ़ाया, बड़ा नहीं चढ़ाया। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया और लगभग एक मिनट लगेगी हमें। देखिए मैंने फ्लेम पे चढ़ा दी है और ये मैं लगातार चलाती रहूँगी, नहीं तो क्या लग जाएगी थोड़ी क्वांटिटी में। और रबड़ी या कुछ भी बनाते हैं तब हमें उसको रेगुलर चलाना ही पड़ता है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो साइडों में लग जाएगी, ये चिपक जाएगी, टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मलाई जैसा बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा गाइस, ये लगभग एक मिनट लगेगा। देखिए मैंने शुगर भी इसमें ऐड कर दिए, लगभग एक मिनट या डेढ़ मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। और देखिए थोड़ा सा थिकनेस आती ही मैं इसको बंद कर दूंगी फ्लेम को, पूरी मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ चलाते हुए। और देखिए आपको उबाल दिख रहा होगा, वो कोड़ा कलर भी चेंज हो गया। देखिए मलाई का थोड़ा सा पकने में आ गई है, क्योंकि मलाई बच्चों को ईजीली पसंद नहीं आती है। तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर दीजिए, बहुत मज़ा आएगा बच्चों को। हेल्दी की हेल्दी है, ऐसा भी नहीं कि मलाई हेल्दी नहीं रहती बच्चों के लिए, बहुत हेल्दी रहती है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, वो मेरी बन गई है, उस ठंडे होने के लिए रख दिए। तो एक कटोरी से देखिए मैं इसके ब्रेड के राउंड पीस काट लूँगी इस तरीके से, वो ये एजेस निकले, साइड के कोने निकले। इसका भी हम कोई नाश्ता बना लेंगे गाइस, इसको वेस्ट मत करिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सर्कल काटे हैं इसके ब्रेड के। और इस सर्कल में अब क्या करूँगा, जो जो हमने मलाई की जो रबड़ी बनाई थी ना, वो इसके ऊपर पूरे फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। देखिए कुछ इस तरीके से, इससे क्या होगा कि ब्रेड का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा मीठा ऐड इसलिए करा था कि फिर वो फीकी फीकी के अच्छी नहीं लगेगी। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है, झटपट बन जाती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चे खा के खुश हो जाएंगे, सिंपल सा नाश्ता, कोई एकदम से झट से बना दो। कोई घर में मेहमान आए, उनके साथ बच्चे आए, तो उनके लिए बना दीजिए। देखिए अब हम एक ही साइड की फिलिंग करेंगे, जिसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और एक चॉकलेट का टुकड़ा डाल दूंगी। ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया था, मैंने थोड़ा टाइम पहले निकाल लिया था, वैसे भी मेल्ट ही होगी इसके अंदर जाके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बीच में रखेंगे थोड़ा इसको, तो उससे क्या होगा कि मेल्ट होगी तो चारों तरफ फैलेगी ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। रियल में गाइस ज़रूर ट्राई करेगा, बच्चों को बड़ों को ही अच्छी लगेगी, बच्चों को क्या। तो आप ये बहुत टेस्टी बनती है। और देखिए थोड़ा सा मैं इसको प्रेस कर दूंगी साइड के कॉर्नर को, एकदम से निकले नहीं। और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। आपको दिख रहा होगा ना कि कितनी ईजीली बन रही है, बस करना कुछ नहीं है, बस सबको इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सी है, दूध मलाई ली, थोड़ा एक मिनट के लिए पकाया, चीनी डाली और बहुत इजीली रबड़ी बन गई हमारी। और देखिए इस तरीके से हमने रखा ड्राई फ्रूट, कितनी सिंपल रेसिपी है गाइस, बहुत इजी है, आप आराम से बना पाएंगे। और ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और देखिए मैंने तवा चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, और मैंने इसकी घी लगा दी है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। और देखिए मैंने नीचे लगा दिया, थोड़ा सा मैंने ऊपर लगा दिया, और मैं इस तवे पे इसको आगे पीछे से, मतलब दोनों साइड से मैं इसको सेक लूँगी। देखिए सिक गई है और मैंने इनको पलट दिया है थोड़े से, कुछ मिनटों के लिए हम इधर भी सेक लेंगे। और जो डेयरी मिल्क डाली है उसमें मेल्ट होके फैल जाएगी,
और रियली गाइस बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ट्राई करिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी शानदार रेसिपी लाती रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।